अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से जी मैं भी ठीक हूँ। तो जी नया दिन नया व्लॉग, और जी अभी माशाल्लाह रात पूरी रात बारिश होती रही है। सुबह तकरीबन 6 बजे तक बहुत शदीद बारिश हुई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जी लाहौर में बारिश हो चुकी है, और बारिश के होने की वजह से ना आज धूप भी बहुत कड़कती हुई निकली है, और बिल्कुल साफ धूप निकली है, गर्म धूप निकली है। नहीं तो 4-5 दिन से धूप निकल रही है, पर धूप होती है ठंडी। आज धूप हमारी कड़कती हुई निकली है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये हमारे जी बन गया है दाना, पता नहीं अब इसका क्या हाल निकलेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ धूप, कितनी प्यारी धूप निकली है लाहौर के अंदर। तो ये देखें जी कितनी प्यारी धूप निकली है, और धूप में वो बैठे हुए हैं, वो सामने लेडीज़ धूप सेक रही हैं, देख सकते हैं आप लोग ना। बहुत अच्छी धूप है, मौसम भी कुछ साफ़ हो गया है, और तकरीबन आसमान भी साफ़ हो चुका है। देखें ज़रा आसमान जो है ना वो बिल्कुल इस टाइम साफ है। आसमान साफ है, इससे पहले अब अपना धुंध नहीं पड़ेगी, कम से कम इतना तो होगा कि मौसम साफ हो जाएगा, धुंध नहीं पड़ेगी। अब ना बिल्कुल साफ़ है आसमान, मैं आपको खिड़की में से दिखा रही हूँ इसलिए सबको सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फ़िलहाल धूप तो आपको नज़र आ रही है क्योंकि बहुत साफ़ धूप निकली हुई है आज ना, बहुत कड़कती धूप। और यहाँ पर जी हसन ने पैंट शर्ट वगैरह पहन के खिड़की में बेचारा खड़ा हुआ है, क्योंकि बाहर ये जाते नहीं है। देखें धूप कितनी तेज़ है, बाहर जाता नहीं है बच्चा, घर में रहता है मेरे पास ही सारा दिन, तो घर में तैयार होता है, खेलता रहता है हसन। इधर देखो, अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम, एपिसोड हसन न्यू ब्लॉग। आप कहाँ जा रहे हो, तैयार शहर हो गए? नहीं, किला हो गया, मुझे घर जाना है। कहाँ जा रहे हो? अपने दोस्त के पास, वो भी घर भी, वो भी घर जा रहा है। जा रहे हो? वो भी घर पे सफर, दोस्त के पास जा रहे हो? तो नहीं, मैं आटे का दोस्त में। हाँ तो जी हसन तैयार शहर के किराए में दोस्त के पास जा रहा हूँ, और यहाँ जी मैंने किया हुआ खलारा, देख सकते हैं आप लोग, कपड़े तैयार कर रही हूँ मैं, सारे घर के कपड़े ऐसे जी हमारे फैले में, ये देखें जी अलमारी सारी, बच्चे 2-4 दिन अलमारी सेट रहती है, फिर अलमारी सारी ख़राब कर देते हैं। और यहाँ जी मैं करने लगी हूँ कपड़े तेज, और ये वाला खाना भी देखें सारा फैला हुआ, तकरीबन सिर्फ ऊपर वाला बचा होता है, क्योंकि ऊपर होते हैं जी शादी ब्याह के कपड़े, तो वो यूज़ में नहीं आते, ये रोज़मर्रा का यूज़ में आता है बॉक्स और ये वाला, तो इसलिए सारा फैला हुआ है इस टाइम ना। अब मैं करने लगी हूँ कपड़े वगैरह तय, अलमारी सेट करने लगी हूँ, अलमारी सेट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। चलो हसन जल्दी मुझे कपड़े उठा के दो, लाओ दो मुझे कपड़े उठा के दो। आप मुझे ना कपड़े उतार उतार के दो, चलो उठा उठा के दो, जैसे ये जब पहले उठा उठा के ना मुझे। अच्छा मम्मा ये ना भी दो ना। हसन के कपड़े बहुत ज्यादा होते हैं ये ना। एक अभी कपड़े देता ये वाले नहीं, आपके अपने लेकर आओ ना, अपने कपड़े उठा के लेकर आओ, आप अपने वाले कपड़े उठा के लेकर आओ। ये मैं के मेरे पजामा। खोलो तो तैयार तो नहीं, खोलो ना। नहीं नहीं हम मेरा पजामा हटो हटो। अच्छा जी यहाँ पे हो गई हमारी अलमारी सेट, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखें यहाँ पे जी मैंने अलमारी बिल्कुल सेट कर दी है, पहले कैसे थी और आप देखें कैसी है, ठीक है। हाँ जी तो यहाँ पे मैंने वजू वगैरह कर लिया है, और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। और यहाँ पे जी आ गया हसन, और आज आपका घर पे आई हुई आयजे की दोस्त, जो कि मैंने आपको पहले भी जिसे हमने मिलवाया था आपका, उसका नाम है मिनाहिल। हसन हटो तो सही, तो आपको मिलवाती हूँ मैं आज आयजा की फ्रेंड से, वो हमारे घर पे आई है आयजा से मिलने के लिए। नहीं मैं ऐसे नहीं पकड़ूंगी, देखो ये हंसने कहते ऐसे बोल, अच्छा मेरी वीडियो ख़राब कर दी लड़के, कि देखो ये कह रहे मुझे मम्मा ऐसे मिलो, ऐसे ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, मुझे नहीं पकड़ा जाता ऐसे ऐसे, नहीं पकड़ जाते कैसे पकड़ा जाता है। नहीं अभी मैं आपको बताऊँगी, तो जी जी मैं आपसे कह रही थी कि चले मैं आपको मिलवाती हूँ आयजा की फ्रेंड आई हुई घर पर मिनाहिल, जिससे आप पहले भी मिले थे जब हम रजब के व्लॉग में गए थे, उस बच्ची का मैंने आपको पहले भी तारुफ कराया था। तो जी आ गई मिनाहिल, आए मिनाहिल, मिनाहिल आओ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं, हमें करते हैं अच्छे हों, खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। और अगर आपको ये आंटी का व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ इनके चैनल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। और कुछ लाइक करें, लाइक करें, कुछ भी करें, बेल नहीं बेल आइकन पर चढ़ के उसको बहुत खूबसूरत कूटें, ताकि वो खूब सारा सा लाइक हो जाए, और साथ साथ वॉचिंग टाइम भी पूरा करवाएं इनका, ताकि ये और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएं।
या ये बच्ची आई भी, मैं इसको कह रही हसन को हमारे घर चलो, हसन जा नहीं मेरे भी बुला रही, जाओ आजा हटना सामने से, आजा जी सामने। घी का पैकेट पड़ा हुआ है, कह रहा है घी का पैकेट पड़ा है, मुझे पराठा बना के दो। अच्छा हाँ, पराठे कितने खाते हैं? पाँच छः पराठे खाते। चले चले ठीक है, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। ये है जी नाइल की बहन, पढ़ के आई हो आप, छुट्टी हुई है, क्या नाम है आपका? सफा। नाम बताओ जोर से बोलो। सफा। सफा माशाल्लाह, पढ़ के आए हो आप हैं? मरवा पता है? सफा मरवा ने माँ, बहुत अच्छा नाम है सफा मरवा, इसकी हमारी मुस्का था ना। ठीक है अल्लाह हाफिज। हाँ तो जी बच्ची जा चुकी है, अब मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज, वजू करा है मैंने, वजू में इसलिए पहले नमाज मेरी लेट ना हो जाए, नमाज पढ़ते हैं फिर मिलते हैं आपसे नमाज के बाद। हाँ जी नमाज वगैरह पढ़ के हम हो गए थे फारिग, उसके बाद जी मैंने थोड़ा आराम किया क्योंकि आज ना बस सर्दी दोबारा से शाम के टाइम ना कुछ ज़्यादा पड़ने लग जाती है, दोपहर में तो खैर इतनी नहीं होती है, दोपहर में तो धूप वगैरह निकल आती है, लेकिन अब जैसे ही शाम हुई है तो सर्दी शुरू हो गई है। और अब मैंने पकाया है जी खाना, मैं बाहर गई सब्ज़ी लेकर आई, गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और आज हमने सब्ज़ी लेकर आई हूँ, आज हमने खाने में क्या बनाया है जी, आज मैंने बनाई है जी मिक्स सब्ज़ी, और जो कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी मैं वो मैंने आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर नहीं करी क्योंकि उस टाइम पे हसन ने मोबाइल पकड़ा हुआ था, बच्चे ने मोबाइल, आयजा के लिए किसी को नहीं पसंद, लेकिन आयजा को पसंद नहीं क्योंकि आयजा मटर नहीं खाती है, क्योंकि आयजा ना मटर को पसंद नहीं करती, लेकिन अब्दुल्ला और उसके बाबा मैं हसन हम सब शौक से खाते हैं। और बस इसलिए अभी हसन सो रहा है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जी मेरे जो ये दाना हुआ है ये मुझे इस क्रीम से हुआ है, ये जो क्रीम है ना ये बस ये मैंने क्रीम यूज़ कर रही थी, इस क्रीम का नाम बस मैं नहीं लूँगी, बस मुझे किसी ने बताया था कि आप ये क्रीम यूज़ कर लें, तो मैं यूज़ कर रही थी कि चले थोड़ा सा ये हल्के वगैरह पड़े हुए ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मज़ीद ये देखिए दाना बन चुका है मेरे, ना नज़र नहीं आ रहा, नहीं आ रहा नज़र, खैर छोड़ें कोई बात नहीं, हसन सो रहा है ये, उसको उठाते हैं अभी और फिर आपको उसको भी दिखाते हैं। और यहाँ पर जी हसन साहब सो रहे हैं, हसन 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 बाबा आ गए, उठ जाओ हसन हसन हसन, मुन्ने मुन्ने उठ जाओ हसन, उठ जाओ हसन, नहीं उठ रहा आपने तो। जी दिखाती हूँ मैं आज मैंने क्या पकाया है, मिक्स सब्जी बनाई जो कि मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है, सिर्फ आयजा थोड़ा सा उसे ज़रा मटर से प्रॉब्लम रहती है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी इसमें है पानी, दम पे लगाई भी मैंने बहुत हल्की आंच पे, इस तरह दम पे लगा के छोड़ देना तो फिर आप ये कि पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, सब्ज़ी का अपना ही पानी बहुत ज़्यादा होता है। बस अब मैंने बनानी है रोटियां वगैरह बनानी है, मैंने अजान होने लगी है नमाज पढ़ेंगे। बस आज का हमारा व्लॉग बस यहीं तक था, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये दाना देखें किस कदर मेरा शदीद तकलीफ कर रहा है, ये दाना ना ये सब क्रीम की वजह से हुआ है। तो चलें बस आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था, चाहते हैं आपसे इजाज़त, कल अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल और बस अल्लाह हाफिज़।